हेलो फ्रेंड्स, रूबल्स किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पर एक सर्दियों के मौसम में पालक काफ़ी अच्छा आता है और सर्दियों में ही ये दाल बहुत अच्छी लगती है हमें। साथ में इसके साथ मक्के की रोटी हो या बाजरे की रोटी हो तो काफ़ी दाल ये टेस्टी और यमी लगती है। तो आज मैं यहाँ पे पालक की दाल बनाने वाली हूँ, लेकिन सिंपल वे में नहीं बनाऊँगी। आज मैं इसे हांडी में बनाऊँगी, मिट्टी वाले बर्तन में। तो चलिए, देर नहीं करूँगी, जल्दी से बनने वाली ये रेसिपी है। तो मैंने ये पालक लिया हुआ है, तो लगभग मैंने पालक इसमें लिया है, देखिए आप, 250 ग्राम के करीब मैंने इसमें पालक के पत्ते लिए हैं, जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप किया है। और इसे मैंने बॉयल नहीं किया है, ना ही मुझे इसका पेस्ट बनाना है, सिर्फ बारीक चॉप करना है। तो ये मेरे खेत से आया हुआ फार्म का है, काफ़ी अच्छा था, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, कोई केमिकल नहीं है, ऑर्गेनिक पालक है। और यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ प्याज ली है और जिसमें मैंने जिंजर ऐड किया हुआ है। और यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए हुए हैं, ये देसी टमाटर है, और इसमें ग्रीन चिली ऐड की हुई है। और ये दाल, 1 कटोरी दाल को हमें ये सोक करके रखना है। आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग ही इसकी दाल की क्वांटिटी आप इसमें रख सकते हैं। मेरी फैमिली में सिर्फ 3 ही मेंबर हैं, तो मैं मेंबर के हिसाब से ये दाल की क्वांटिटी रखती हूँ। तो दाल मैंने यहाँ पे 100 ग्राम्स के करीबी मैंने इसमें दाल ली हुई है। और दाल को हमें 10 मिनट के लिए सोक करके रखना है इसको। और सोक करने के बाद हम 3 से 4 ओनली इसमें मैं 3 सीटी लूँगी, इससे ज़्यादा मुझे इसमें फिसल नहीं लेनी होती है, क्योंकि थोड़ी सी हमें ये दाल को जो है खड़ा रखना होगा। आप देख सकते हैं इस तरह से, देखिए दाल खड़ी हुई है ना, पानी ऊपर है, तो इसका मतलब दाल पूरी नहीं उबली है। ऐसे ही हमें इस दाल को उबालना है। तो मैंने इसमें लगभग सिर्फ 3 ही सीटी ली हैं। 3 फिसल लेने के बाद ही आप इस फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये दाल एक साइड रख देंगे। अब इसमें आती है तड़का लगाने की बारी। तो तड़का हम किस तरह से लगाएंगे, तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेन इसका प्रोसेस जो है तड़के का ही है। और ये दाल जिस तरह से बनाई जाती है, शायद ही आपने इस तरीके से कभी इसको कभी भी खाया हो या ट्राई किया हो, और अगर नहीं किया है तो आप इसको देखकर ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पे मैंने मिट्टी का बर्तन लिया हुआ है, ये हांडी है, तो इसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला हुआ है। मस्टर्ड ऑयल इसमें सर्विंग वाली स्पून जो होती है उससे मैंने इसमें ऐड किया हुआ है, ये वाली सर्विंग वाली स्पून है, तो इससे मैंने मस्टर्ड ऑयल इसमें ऐड किया हुआ है। तो ओनली 1 सर्विंग स्पून हमारी तेल इसमें जाएगा, मस्टर्ड ऑयल। अब इसमें जाएगा 1 पिंच हींग और 1 टीस्पून जीरा। इन दोनों को सॉटे करने के बाद, देखिए सॉटे भी हो चुका है, इसमें हम प्याज को ऐड कर देंगे, प्याज, जिंजर। आप इसमें लहसुन भी, गार्लिक भी यूज़ कर सकते हैं, पर गार्लिक मुझे इसमें दाल में नहीं पसंद है, तो इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। अगर आप खाना पसंद करते हैं दाल में गार्लिक, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जब तक प्याज सॉटे होती है, और यहाँ हम थोड़ा सा प्याज के साथ थोड़ा सा ही हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे, इसको भी रोस्ट कर लेंगे अच्छे से। तो देखिए प्याज तो मेरी सॉटे हो चुकी है, यहाँ पर घी इसमें हम बाद में डालेंगे, जब हमारी दाल पूरा इसमें बन जाएगी उसके बाद हम इसमें ऊपर से घी या बटर, आप खाना चाहते हैं तो बटर ऐड करेंगे। किसी ने कहा कि तेल और घी को एक साथ नहीं डाला जाता है, कुछ रीज़न होता है, इसलिए मैं घी और तेल को एक साथ नहीं ऐड करूँगी। जब दाल बाद में बन जाएगी उसके बाद ही मैं ऊपर से इसमें घी ऐड करूँगी। अब यहाँ मेरी प्याज सॉटे हो चुकी है, तो मैं इसमें अब टमाटर ऐड कर दूँगी और अच्छे से इनको चलाऊँगी, जब तक अपना ये ऑयल नहीं छोड़ देते। ऑयल जैसे ही रिलीज़ हो जाएगा उसके बाद ही मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं इसमें, आप ध्यान रखिएगा कि मैंने 1/4 चम्मच मैंने इसमें दाल में नमक ऐड किया हुआ है, और 1/4 चम्मच ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर के साथ, क्योंकि टमाटर टेस्ट को, साल्ट के टेस्ट के अकॉर्डिंग ही हमें इसमें ऐड करना है, क्योंकि ज़्यादा होगा तो फिर हम निकाल नहीं सकेंगे, और कम होता है तो हम उसमें एक्स्ट्रा हम बाद में हम डाल सकते हैं जब हम टेस्ट करते हैं, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा तो फिर हम कम कैसे करेंगे, फिर उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस अपना ट्रिक अपनानी पड़ेंगी, तो ऐसा हम क्यों करें। तो साल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग कम हो जाए लेकिन ज़्यादा ना हो। अब यहाँ पर हम इसे स्टेन में, क्योंकि हमारा इसने तेल रिलीज़ कर दिया है, छोड़ दिया है, तो इसमें मैंने 3 से 4 लौंग ऐड की हुई है। अब इसमें मसाले ऐड होंगे, तो मसाले में जाएगा 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, और 1 टीस्पून ही रेड चिली पाउडर। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, जो हमारी हरी मिर्च थी वो काफ़ी तीखी है, तो इसलिए लाल मिर्च दाल में ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद आती है, ना ज़्यादा तीखी और ना ज़्यादा कम मसाले वाली।
दाल में मीडियम ही मसाले अच्छे लगते हैं, क्योंकि ज़्यादा मसाले होने से दाल ज़्यादा तीखी हो जाएगी तो पसंद नहीं आती है। अब आती है इसमें पालक की बारी, तो जो लगभग मैंने 250 ग्राम मैंने पालक लिया है, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। पालक को हमें गलाना नहीं था, पालक को हमें सिर्फ इसी तरह से भूनना है इसी में, और जब अच्छे से पक जाएगा पालक अपना पानी छोड़ देता है, इसे अब हम ढक लेते हैं। पालक अपना पानी छोड़ के अच्छे से गल जाएगा, उसके बाद हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। तो मैंने इसके ऊपर लिड रख दी है, अब पालक पकने के बाद ही हम इसमें दाल ऐड करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं पालक ने भी तेल छोड़ दिया काफ़ी। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो दाल है हमारी, पालक भी अच्छे से गल चुका है, इससे ज़्यादा हमें अब इसमें पालक गलाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए पूरे अच्छे से ये भून चुका है, जब तेल छोड़ दिया पालक ने, पानी भी सारा सूख चुका था। अब इसके बाद जो हमारी दाल है इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसे पकने देंगे, लगभग हम इसे 5 से 6 मिनट या 10 मिनट तक हम इस दाल को अच्छे से पकने देंगे। जो दाल खड़ी है वो भी एक्स्ट्रा मैंने जरा सा उसी कुकर में ही, यानी कि 1/4 कटोरी ही पानी डालकर धो दिया है, और इसे ढक के पकाएंगे लगभग 10 मिनट तक। तो 10 मिनट में ये दाल बनके रेडी हो जाएगी। फिर चाहे मक्के की, बाजरा की रोटी से, या सिंपल चपाती से, या राइस से आप इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो अब मैं मिलती हूँ 10 मिनट बाद। तो देख सकते हैं यहाँ पे दाल तो मेरी बनके रेडी हो चुकी है, देखिए कितना अच्छा उबाल आया है, और गाढ़ी भी होती जा रही है। अब इस स्टेज में ही हम, अगर आप राइस से खा रहे हैं तो इसका लिक्विड इतना, इसकी जो ग्रेवी है वो इतनी होनी चाहिए, और अगर चपाती से खा रहे हैं, मक्के की रोटी से, या बाजरे की रोटी से, या चावल की रोटी से खा रहे हैं, तो उसे थोड़ा सा थिक होने दीजिए, हल्का सा गाढ़ा और रखेंगे। लेकिन ये गुनगुना जैसे ही थोड़ी नॉर्मल हो जाती है उसके बाद ये थोड़ा सा गाढ़ी हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो ग्रेवी होती है वो थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। इससे ज़्यादा हमें इसको गाढ़ा नहीं करना है। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी मेरी आपको अच्छी लगी होगी, और ऊपर से हम इसमें काफ़ी सारा घी ऐड करेंगे, क्योंकि घी के बिना लगभग 1 टीस्पून में इसमें घी ऐड करूँगी। और जब आप इसको सर्व करें तभी इसमें आप घी ऐड कर सकते हैं। तो अभी तो थोड़ी सी ये पकेगी घी डालने के बाद, क्योंकि घी तो मेल्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम इसमें थोड़ा सा इसे बॉयल होने देंगे घी डालने के बाद। और दाल तो हमारी बन चुकी है, और आप जिससे भी आप इसका लुत्फ़ उठाना चाहें आप इसको लुत्फ़ उठा सकते हैं। देख सकते हैं कि दाल के दाने भी गल चुके हैं, और खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। अब मेरे से तो इंतज़ार नहीं हो रहा है, मैं तो इसका लुत्फ़ उठाने जा रही हूँ। और आप भी ज़रूर इस तरह से हांडी में, मिट्टी की हांडी नहीं भी है तो भी चलेगा, लेकिन पालक को इस तरह से ही बनाएंगे पालक की दाल, तो आप उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे और मुझे ज़रूर याद करेंगे कि ये आपने रेसिपी पहले क्यों नहीं बताई। तो चलिए मैं फिर मिलती हूँ ऐसे ही रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।